हेलो जी, हेलो राम राम दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज हम आए बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का घर देखने। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आए अमिताभ बच्चन सर के घर पे। भाई उनका कल बर्थडे था और इतनी सारी गर्दी है ना उनके घर के बाहर, अभी देखा हम लोग। भाई जैसे बस से उतरा हम लोग ने दूसरी देखा इतनी गर्दी है, तो चल के देखते हैं। लगता है अमिताभ बच्चन सर बाहर आने वाले हैं, तभी इतनी गर्दी है, मीडिया वीडिया सब आई है, तो जाके देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई यहाँ पे फुल सिक्योरिटी टाइट और पब्लिक ही पब्लिक है यार। तेरे को कैसा लग रहा है अमिताभ बच्चन सर से मिलने के लिए? बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं। क्या झूठ बोल रहे, तेरे को क्या मिलने वाले क्या अमिताभ बच्चन सर आके? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। गाइस सब लोग वेट कर रहे हैं अमिताभ बच्चन सर का, जैसे बाहर आएंगे सब लोग। भाई यहाँ पे सब लोग नंबर गर्दी लगा के बैठे हुए हैं। गाइस ये अमिताभ बच्चन सर का डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं लगता मेरे को तो। गाइस इनकी फैन बेस देखिए यार, बहुत तगड़ी है। वहाँ पे फुल सिक्योरिटी टाइट है। और ये देखिए यार, सामने पूरा फुल मीडिया वीडियो है यार। ये अमिताभ बच्चन सर का घर जलसा, और ये फुल बाहर सिक्योरिटी टाइट है। और अभी शायद घर का काम चल रहा है, फुल रेनोवेशन चालू है, इनको फुल बाउंड्री कर रहा है। बाहर आने वाले क्या अमिताभ बच्चन? आने वाले हैं, लेकिन टाइम का कुछ बोल रहा हूँ, मतलब कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। कल भी आए थे ना? कल तो पता नहीं, कल या परसों आए थे, मैंने देखा था सोशल मीडिया पर। हाँ कल आए थे यहाँ पे, आते कल बर्थडे, कल बर्थडे आज है, आज आज है गाइस, आज है अमिताभ बच्चन सर का बर्थडे, मेरे को लगा कल है। दोस्तों यार, मतलब अमिताभ बच्चन सर से इतने सारे लोग मिलने आए, और वो भी मैं तो वो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो यंग लोग बहुत कम है, जो मतलब पुराने, मतलब जो थोड़े ओल्ड है या फिर मतलब बड़े लोग हैं, वो मोस्टली वो सब ज़्यादा है। भाई अमिताभ बच्चन सर भी मतलब पुराने ज़माने से लेकर अब तक हीरो ही है ना, तो पुराने ज़माने वाले लोग मतलब ज़्यादा करके तो बड़े एज के लोग यार उनके फ़ैन है, ज़बरदस्त फ़ैन है यार। और अभी अमिताभ बच्चन सर मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला आने वाले, लेकिन टाइम लग सकता है क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आएंगे वो। मैंने उनको देखा कि बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं, भाई उनका बर्थडे है ना, तो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट आ रहे हैं। भाई आज ऐसा मेरे लिए भी कोई फ़ैन वेट करे मेरा। अगर आपको आना है तो ये सब मोस्टली आपको घर जूम में मिल जाएगा, लेकिन भाई यार मतलब देख के अलग ही मज़ा आ रहा है, इतने सारे फैंस उनके वेट कर रहे हैं। तो आने वाले, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उनको, वो बाहर आएंगे फैंस से मिलेंगे, हाँ मतलब दूर से मिलेंगे, लेकिन उनको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग निकलते हैं, हमको भी बहुत लेट हो रहा है। दूसरे घर पे, दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर पे चलते हैं, तो जाके देखते हैं उनका घर कैसा है। तो चलो फिर। गाइस मैंने यहाँ पे एक जन से पूछा कि अगर समझो अमिताभ बच्चन सर नहीं आए या फिर मतलब बहुत लेट आए, रात को आए, तब तक आप रुके रहोगे? भाई बोलते हैं हाँ भाई बिल्कुल, उनका जबरदस्त फैन हूँ यार, ऐसे फैन से यार हमारे भी कोई ऐसा फैन है तो यार बता। हाँ अच्छा, और यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? कितना किलो? हाँ एक डेढ़ किलोमीटर होगा। अच्छा एक डेढ़ किलोमीटर लगा। अच्छा अच्छा से? हाँ हाँ। अभी हमने अंकल से पूछा अक्षय कुमार सर का घर कहाँ पे, मतलब हमको पता था गूगल में देख लिया, लेकिन भाई जो लोकल जो यहाँ पे लोकल रहते ना, तो उनको पूछने लेना चाहिए, तो लोग अच्छे से बता देते। तो अभी उन्होंने बताया यहाँ पे पैदल जाएंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर लगेगा, तो पैदल ही जाना है वैसे तो, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, तो पैदल ही निकलते हैं अक्षय कुमार सर के घर पे। और उन्हीं के पास में ऋतिक रोशन सर का भी घर है, शिल्पा शेट्टी का भी घर है, शिल्पा शेट्टी मैम का भी घर है, तो देखते जो जो घर दिखेगा सब दिखाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अक्षय कुमार सर के घर पे, हमारे पीछे ही है उनका घर, ये देखिए गाइस। उनका घर है यार, मतलब ये पीछे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी भी आए बोलते हैं। हम लोग आए पहले, हमको पूछ रहा है एक जन भाई परमिशन है क्या, मतलब हम लोग झुरझुर बोलते हैं हाँ भाई परमिशन है हमको, भाई कैसे तो अंदर आ गए, लेकिन हमारे पीछे उनका घर है, अक्षय कुमार सर का घर यार बहुत, और उनके घर के सामने ये बीच है।
उनके घर के जस्ट सामने बीच है यार। ऐसी जगह घर लो मतलब जहाँ मस्त लगे, अच्छा सुकून है यार। सामने बीच है, ये जू बीच है, जू बीच के जस्ट सामने उनका घर है यहाँ पे एकदम ऊपर की तरफ। तो मैं एक बार बीच पे जाके देखता, अगर वहाँ से दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर जाएंगे, अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ। और गाइस और एक चीज़ बताता हूँ, अक्षय कुमार सर के घर के ऊपर ही ऋतिक रोशन सर का भी घर है, मतलब दोनों जन एक ही प्लॉट में रहते हैं। अक्षय कुमार का आई थिंक 4 फ्लोर है, 1 2 3 4, और उसके ऊपर ही ऋतिक रोशन सर का भी घर है वहाँ पे। तो दो सेलिब्रिटी तो यहाँ पे रहते हैं। और इधर ही अगल बगल में ना गाइस शिल्पा शेट्टी सर का, अरे और यहाँ पे गाइस अगल बगल में ना शिल्पा शेट्टी मैम का भी घर है। तो अभी देखता, अगर पता करते पता चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। गाइस ये देखो, ये है प्राइम बीच, अक्षय कुमार सर का घर। हम लोग यहाँ से आए और ये देखिए पूरा यहाँ पे घर है गाइस, बहुत बड़ा है। मतलब मेरे को एक ही फ्लोर इतना लंबा चौड़ा है ना। मतलब आज के ज़माने में यहाँ बीच की तरफ और ऐसे जू में जो इतना डिमांडिंग एरिया है, वहाँ पे घर लेना तो बहुत मुश्किल है। अक्षय कुमार सर का घर ही 80 से 100 करोड़ रुपए का है, बोलो। गाइस पोज दे रहा था, टाइटैनिक पोज दे रहा था, मुंह के बल गिर गया, चड्डी में भी मिट्टी चली गई। अक्षय कुमार सर का भी घर देख लिया, उनका घर आई थिंक उनका 2 फ्लोर है। मैंने अभी वहाँ जो अंकल से हम लोग बात कर रहे थे ना, उन्होंने हमको सब बताया, वो यहाँ पे ही काम करते हैं, तो उन्होंने सब कुछ बताया हमको। और गाइस यहाँ पे इतनी शांति एरिया ना, यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ ये इस साइड में घर लेने के लिए तड़पते, पता है क्या? तो अंकल ने हमको बताया कि उनका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, 2 फ्लोर है, और उनके ऊपर 2 फ्लोर ऋतिक रोशन सर का भी घर है, लेकिन वो भाड़े से दिया है, वो पता नहीं, वो बोले थे रेंट पे कुछ अलग है। और यहाँ पे सारा डेसर्ट जो सारा के ओनर है, उनका भी घर है यार। मतलब ऐसे आप लोग भी इतना सपोर्ट करो कि हम लोग भी ऐसी जगह पर घर ले लें एक दिन। अभी हमने अंकल से पूछा तो अंकल ने बताया यहाँ से आगे जाके पहला लेफ्ट लेंगे ना तो गोविंदा सर का भी घर है। गोविंदा जो भाई पुराने जमाने में जो एक समय टॉप पे थे, तो उनका भी घर है, आगे से पहला लेफ्ट लेकर। और भाई से कार दिख यार, जीप है भाई, बहुत मस्त कार है यार। यहाँ पे और एक कार, ये देखिए एकदम महंगे महंगे यार, मतलब मजबूत पैसा ही है एरिया में। सो हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंदा सर के घर पे, हमारे पीछे ही उनका घर, उनके घर का नाम जल दर्शन, जल दर्शन है, आप वहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये जल दर्शन। ये भी फ्लैट टाइप ही है और गोविंदा सर का घर है यहाँ पे यार, बहुत मस्त है यार। तो पूरा मतलब ये पूरा बिल्डिंग है यार, मस्त लग रहा है यार। जल दर्शन गोविंदा सर का घर है यार, पुराने फेवरेट हीरो थे अपने यार, बहुत मस्त है। गाइस अभी जो मेरे पीछे फ्लैट देख रहे हो ना, ये भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर है। अभी मेरे को एक अंकल ने बोला, लेकिन उनको भी नहीं पता किसका है, लेकिन किसी बड़े आदमी का घर है यार, मतलब अभी बन रहा है शायद ये। गाइस एक तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम पता है क्या, मतलब यहाँ पे ना आप घर के आगे ना पूरा झाड़ी झाड़ या फिर इतना बाउंड्री घिरा हुआ देखोगे आप, फुल मतलब फुल टाइट सिक्योरिटी रहती है, देखिए आप फुल हर जगह ऐसा, ये तो है, और पूरा झाड़ से कवर कर देते हैं। ये देखिए गाइस, वो वहाँ पे उनका सामने घर है, उन उसके अंदर ही उनका अपार्टमेंट है। और गाइस एक अपार्टमेंट मतलब 5-6 के बराबर है वो अपार्टमेंट ऐसा है यार। गोविंदा सर का पूरा फ्लैट ही इतना लंबा सा है, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है उनका घर, फुल पैसा गोविंदा सर ने कमा के रख लिया है ना। हेलो गाइस, तो हम लोग गोविंदा सर का घर छोड़ चुके हैं, मतलब देख के आ गए हैं। तो आइस आते आते यहाँ पे भी हमको एक महाराष्ट्र गुजरात एंड गोवा एरिया आर्मी ऑफिसर, उनका भी एक कैंप दिखा यार, अंदर से बढ़िया लग रहा है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, अंदर मिलिट्री लोगों का है, कोई इंस्टीट्यूट है तो कोई शायद यहाँ पे ट्रेनिंग होता है आर्मी लोगों का, मतलब कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है ऐसा। मैंने आपको इतने सारे सेलिब्रिटी का घर दिखाया, तो अब बारी है मेरा घर दिखाने की आपको। तो ये गाइस ये है मेरा घर, तो मेरा घर आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना। अभी बहुत मेहनत से बनाया गाइस, पूरे मैंने 1 करोड़ रुपये इस पर डाल दिया है।
से हम लोग आ गए हैं बस स्टॉप पे, तो अभी बस पकड़ते हैं और निकलेंगे घर पे यार। और आज हालत बहुत खराब है, बहुत दूर दूर चल चल के आए ना गाइस, लेकिन अच्छा भी लगा यार मेरे को तो। सबसे ज्यादा अच्छा लगा अमिताभ बच्चन सर के घर के बाहर, इतने सारे भले अमिताभ बच्चन सर से मिल नहीं पाए, उनको आने में टाइम लग जाता है, हम लोग को बहुत टाइम हो जाता है, इसके लिए हम लोग तो वहाँ से निकल गए वीडियो निकाल के। इतने सारे फैंस आज भी अमिताभ बच्चन सर से मिलना चाहते हैं, उसे ऑब्वियसली यार मिलना ही चाहते, इतने बड़े लीजेंड आदमी है। तो अक्षय कुमार सर का भी देखा, ऋतिक रोशन सर का भी देखा, और गोविंदा सर का भी घर देख लिया हमने, लेकिन गाइस हमको दूर से दिखाना पड़ा, अंदर तो हमको अलाउड नहीं है, अंदर तो लेंगे नहीं। जाने वाले बहुत थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती, वो मेरे नाम से फेमस हो रहे ले तो।